मैं तो दोस्त कुलदीप एक बार फिर तो थोड़ी खिदमत दे विच हाजिर हाँ थोड़ा खास प्रोग्राम लैके। सो खास प्रोग्राम मैं इसलिए कहाँगा थोड़े सवाल जिहड़े साडे तक पहुँचते हैं इस प्रोग्राम में शामिल किए जाते हैं लड़ीवार इस प्रोग्राम में अगे तुरै जाता है एक्सपर्ट के नालों सवाल सांझे किए जाते हैं उन्होंने जवाब लिया जाता है जानकारी देने की कोशिश की जाती है। देश तो विदेश तक का जोड़ा यह सफर है जोड़ा यह रस्ता पढ़ाई के लिए तय किया जाना उन्होंने सुखाला करने की जी कोशिश लगातार की जाती है। वैसटन ओवरसीज़ तो प्रदीप आलियान जी को सदा दिता गया एक बार फिर तो उन्होंने सदा कबूल किया समा कड़ के आए ने चर्चा भी शुरू करांगे। पहला स्वागत कर लिए प्रदीप जी बहुत बहुत स्वागत थैंक यू जी, सत श्री अकाल जी। जी। पिछले 2-3 दिनों तो गल कर रहे आप आयल्स रियलिटी टेस्ट की चंडीगढ़ के जिहड़ा इस शनिवार को 24 जून के दिन जिहड़ा आयल्स जिहड़ा आयल्स रियलिटी टेस्ट किया जा रहा और ऑर्गेनाइज किया जा रहा काफ़ी बच्चे जिहड़े रजिस्टर्ड हुए हैं काफ़ी बच्चों के इस प्रोग्राम के लिए भी जिहड़ा साडा फेसबुक पेज उत्थे भी आया कि किस तरह रजिस्टर्ड हुई है तुसीं भी दस्सिया काफ़ी बच्चे हुए हैं। इन्ने सारे बच्चों का टेस्ट किवें लिया जाएगा की सर्विस मिलेगी बच्चों को किवें दस्या जाएगा सारा कुछ देखिए, ये जो टेस्ट हम रख रहे हैं ये पैसे कमाने के लिए नहीं रख रहे हैं। ये हम टेस्ट रख रहे हैं जो रियलिटी टेस्ट, आईएलटीएस रियलिटी टेस्ट, ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो डिजायर स्कोर लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। जी तो हर एक वो स्टूडेंट्स जो आईएलटीएस कर रहा है या आईएलटीएस करना चाहता है या बार बार अटैम्प्ट कर चुका है, हम उन सबको इन्वाइट कर रहे हैं कि वो अपना 24 जून को दिन शनिवार कमिंग सैटरडे चंडीगढ़ ऑफिस में 35C में SCO 441 442 10 बजे ये टेस्ट में बैठें, जिसमें BC और IDP के ऑफिशियल होंगे प्लस IDP और ब्रिटिश काउंसिल के सर्टिफाइड ट्रेनर होंगे, ये टेस्ट लेंगे। ये टेस्ट का फ़ायदा होगा कि भाई, एक तो जो फाइनल एग्ज़ाम में आप जाते हो ना तो आप नर्वसनेस फील करते हो, डर लगता है, आप कैपेबल होते हुए भी डिजायर्ड स्कोर नहीं ले पाते, तो आप ही को एक प्रोसेस से निकालने का ये एक टेस्ट रखा गया है। जी जी इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि आप यूज्ड टू हो जाएंगे फाइनल एग्जाम किस तरह से होता है, क्या होता है, उन सब की इसमें ये रिहर्सल होने वाली है, उन सब में वो सारी चीज़ें सेम इन्वायरमेंट में पेपर लिया जाएगा ताकि आप फाइनल एग्जाम में अपने आप को प्रूव कर सको। फाइनल एग्जाम की फीस है 11,800, 11,800 रुपये आपके खराब हो सकते हैं अगर आपका डिजायर्ड स्कोर नहीं आता। यहाँ पे आइए, 200 रुपये पे करिए और फाइनल एग्जाम जैसा फील करिए और फाइनल एग्जाम में जाके जितना स्कोर आप ले सकते हैं उतना ले पाएंगे जहां जी पे आप जी स्टैंड करते हैं। तो फायदा ये, एक तो यही फायदा है कि भाई आपका टेस्ट को, आपका जो टेस्ट है फाइनल एग्जाम में जो आप लेना चाहते हैं उतना आप स्कोर ले सकते हैं, आपका फियर खत्म हो जाएगा, आपकी क्या नाम है सिकनेस खत्म हो जाएगी। तो दूसरा फायदा ये है कि इसमें आपको टिप्स एंड स्ट्रेटजीज भी दी जाएंगी। BC और IDP जो सर्टिफाइड ट्रेनर्स होंगे वो आपको रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, इन सब के टिप्स देंगे कि अपने फाइनल एग्जाम में किस तरीके से अपने आप को प्रूव कर सकते हो, जी कहाँ कहाँ आप वीक हो, कहाँ कहाँ आप लैकिंग कर रहे हो। तो उन सबको देखते हुए उन सब के लिए ये चीज़ें रखी गई जो बच्चे कहीं ना कहीं इस तरह का फील कर रहे हैं। तो दो फायदे तो ये है ही हैं। तीसरा फायदा ये है कि अपना फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपका स्कोर आ जाएगा तो आप जिस कंट्री में जाना चाहते हैं उस डिजायर्ड कंट्री में आप टाइम पे पहुंच पाओगे। अदरवाइज बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो आइल्स करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, उनका जी स्कोर नहीं आ पाता। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये रखा गया, आपने 200 रुपये पे करने हैं। टिल सैटरडे 9 AM आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, चाहे आप फेसबुक के थ्रू कराओ या फिजिकली आके कराओ या पर्सनल ईमेल पे करो या ये नंबर जो चल रहा है इस नंबर पे फ़ोन करके अपने आप को रजिस्टर्ड कराओ। जी लेकिन लिमिटेड सीट्स हैं दोस्तों, स्पेस लिमिटेड है, अपना टाइम पे कराओगे तो ही हम आपको सीट दे पाएंगे, अदरवाइज फिर दुख लगेगा जब किसी बच्चे को नो करना होता है। बिल्कुल। सो वेस्टर्न ओवरसीज की यूनिक गल भी कह सकते हैं चंगी गल भी कह सकते हैं कि आइल्स वाले बच्चों के लिए समय समय उत्ते स्पेशल इवेंट्स लैके आते हैं चाहे वह सैमीनार्स होन वर्कशॉप होन या इस तरह के टेस्ट होन या जिहड़े इन्हां दे इंस्टीट्यूट ने उन्हां दे विच किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ ने या फेसबुक उत्ते भी जिहड़े डेली आइल्स नूं लैके कोई वर्ड्स जिहड़े दसे जाते हैं या नवीं टिप्स दिते जाते हैं। सो आइल्स वाले बच्चों के लिए 24 जून का यह दिन काफ़ी खास रहेगा खास करके वो बच्चे जिहड़े कहिंदे सी कि पहली बार पेपर देन गए सी आंदा सी पर कर नहीं पाए कोई चीज़ां समझ नहीं आईया एकदम माहौल नहीं समझ आया वो बच्चों के लिए काफ़ी खास रहेगा यह दिन। इस दिन तुसीं जाके सेम उस तरह का माहौल लै सकते हो जिथे तुसीं आइल्स का टेस्ट देन जाना है थोड़े दिनों जो थोड़ा टेस्ट होएगा तो काफ़ी फायदा उन्होंने बच्चों को मिलेगा। जिहड़े बच्चे आइल्स इंस्टीट्यूट चूज़ नहीं कर पाया जी उन्होंने भी इतने आके कोई टिप्स दिए जाएंगे कोई हेल्प की जाएगी किवें वो चंगा इंस्टीट्यूट चूज़ करने या तुहाडे कोल की स्पेशल चीज़ें। आप देखिए कुलदीप जी, जो अगर आइल्स इंस्टीट्यूट चूज़ करने वाली बात है तो वहाँ पे अब बच्चे को देखना होगा कि एक तो वो डेमो ले, फ्री डेमो।
मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो आपने देखना होगा कि एक तो डेमो, डेमो के बाद जो इन्वायरमेंट आपको डेमो में मिला है क्या वो फाइनल मिलेगा उसको? ऐसा होता है कि दिखाने, हाथी के दांत दिखाने है, कुछ है और खाने कुछ और है, कि एक पहले एक अच्छी चीज जो मेन फैकल्टी वो सामने रखती, बाद में कोई और ही ले रहा है। जी जी। तो आपने डेमो क्लास में देखो कि किस तरह का इन्वायरमेंट है, किस तरह से वो पढ़ा रहे हैं। दूसरा फिर उनसे पूछो कि क्या सेम फैकल्टी या सेम सर्विसेज मुझे मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, ठीक है। दूसरी बात, वेस्टर्न ओवरसीज की बात करें तो वेस्टर्न ओवरसीज में ये सारी चीजें एक तो फ्री डेमो दी जाती है, जो चंडीगढ़ का ऑफिस है कहीं पे भी है, दोनों चीजों का जवाब भी मिल जाएगा बच्चे को, ऑफिस के विच या इंस्टीट्यूट के विच टेस्ट। तो एक तो फ्री डेमो दी जाती है जो चंडीगढ़ का ऑफिस है, जो हरियाणा या कहीं पंजाब का कोई इंस्टीट्यूट हो, तो डेमो के बगैर हम बच्चे को नहीं लेते जी। ओके भाई, पहले आपको फुल चांस दे रहे हैं, ये हम हैं और ये हमारी सर्विसेज हैं और ये आइल्स है और इस तरह से हमारा पैटर्न है पढ़ाने का, बच्चे तो भी पता लग जाए उन्हें कितनी प्रेपरेशन। तो कई बच्चों को तो हम खुद मना कर देते हैं, जो हमें लगता है कि डेमो में एक फायदा ये भी होता है कि जो हमें लगता है कि जो बच्चा जेन्युइन नहीं है, जो पढ़ना नहीं चाहता, तो उसको तो हम खुद ही मना कर देते हैं जी। तो हमें भी फायदा है इसका, स्टूडेंट को फायदा है डेमो का तो हमें भी फायदा है। दूसरा, हमारा जो यूनिक पैटर्न है, हमारे पास स्पेशल टिप्स एंड स्ट्रेटजी है रीडिंग और राइटिंग की, जो रियली मतलब वर्क करती हैं और बच्चों के स्कोर 9 बैंड तक आते हैं। तो ये जो टिप्स एंड स्ट्रेटजी है वो ऑलवेज मैटर करती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको रीडिंग दे दी, बाद में क्वेश्चन आंसर मैच करा दिए, नो जी नो, पूरे रीजंस दिए जाते हैं कि ये आंसर कैसे आया। तो पूरी की पूरी टिप्स एंड स्ट्रेटजी चाहे रीडिंग की है चाहे राइटिंग की स्टूडेंट्स को मिलती है, इसी तरह स्पीकिंग में और लिसनिंग में मिलती है। ट्वाइस मॉड्यूल कराए जाते हैं, ग्रामर फ्री दी जाती है, जीडी क्लास लाई जाती है, पीडी पर्सनलिटी डेवलपमेंट की क्लास लाई जाती है, होमवर्क दिया जाता है, 8 घंटे पढ़ाया जाता है, डेली रिपोर्ट तैयार करी जाती है बच्चों की, डेली एक येलो कार्ड बच्चे को मिलता है जिसको रिपोर्ट कार्ड बोलते हैं, रीडिंग में कितना है, राइटिंग में कितना है, लिसनिंग में कहाँ स्टैंड करता है, स्पीकिंग में कितना स्टैंड करता है, आप स्टूडेंट पेरेंट्स के रिमार्क्स, टीचर्स के रिमार्क्स, प्लस में होमवर्क, होमवर्क भी अलग से मिलता है। और जो बच्चे एक दिन से ज्यादा बंक मारते हैं तो सीधा पेरेंट्स के घर फोन चला जाता है कि भाई आपका बच्चा नहीं आ रहा है, वापस ले जाइए अगर इस तरह से ये करेगा तो जी। तो ये यूनिकनेस है और इसी यूनिकनेस के कारण बच्चों के रिजल्ट्स आते हैं, 8, 8.5, 9 बैंड तक बच्चों के स्कोर आते हैं। बिल्कुल। सो काफ़ी बच्चे इस तरह कहते हैं कि 3-4 घंटे इंग्लिश पढ़ के फिर पंजाबी या हिंदी माहौल में आ गए। सो वेस्टर्न ओवरसीज वालों चीज़ें दी नहीं जा रही, 8 घंटे बच्चे को वैसे क्लास दी जा रही, फिर होमवर्क दिता जा रहा, घर जाके फिर बच्चा इंग्लिश के नाल जुड़ा जी। सो वो चीज़ें काफी जड़ियां बच्चे काम आने। हाँ जी, मैं कुलदीप जी बताना चाहूंगा, दिल्ली से स्टूडेंट्स बहुत आता है हमारे पास, पंजाब से तो आता ही, हरियाणा से बच्चा तो है, ये दिल्ली से बहुत स्टूडेंट आता है। जब पूछा जाता है तो रियली में 10-10 हज़ार रुपये वहाँ के इंस्टीट्यूट से मतलब पैसे ले रहे हैं। बिल्कुल। जब उनसे पूछा जाता है कि कितने घंटे पढ़ते हैं, 2-2.5 घंटे वो पढ़ाते हैं। अरे मैंने कहा 2 घंटे तो रीडिंग चलती है, 1 घंटे की रीडिंग बच्चे ने अटेम्प्ट करनी है, 1 घंटा उसको डिस्कशन में लग जाता है, तो हम तो 8 घंटे पढ़ाते हैं, बच्चे सरप्राइज होते हैं और स्कोर लेके आते हैं। दिल्ली वाला बच्चा यहाँ आके पीजी लेके, चाहे वो करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, चंडीगढ़ वाले इन सारे ऑफिस में मतलब पीजी लेके, और मतलब मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ रह के पढ़ते हैं और स्कोर लेते हैं। तो रियली दिल्ली तो मतलब मैं समझ नहीं पा रहा कि 8-8, 10-10 हज़ार रुपये इंस्टीट्यूट ले रहे हैं और सिर्फ 2 घंटे पढ़ा रहे हैं, 2-2.5 घंटे, 2-2.5 घंटे में क्या होगा। बिल्कुल। सो तुसी भी आइल्स करना चाहते हो, आइल्स का टेस्ट देना है, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, कोचिंग लैनी है 24 जून जो शनिवार का 3 खास रहेगा, जिहड़ा वैस्टर्न ओवरसीज दे तुसी चंडीगढ़ ऑफिस विच आके आइल्स रियलिटी टेस्ट का हिस्सा बन सकते हो, इस टेस्ट नूं देके देख सकते हो तुहानू किन्नी प्रैपरेशन की जरूरत है, किहड़ी किहड़ियां कमियां ने, वो सारियां तुहानू जिहड़ियां उत्थे एक्सपर्ट्स वल्लों मौके उत्ते दसियां जाणगियां जदों रिजल्ट आउट होएगा। थोड़ा जिहा कैनेडा वाले बच्चों की गल की सी कि सितंबर के लिए बच्चे अप्लाई कर सकणगे, वो बच्चे जिन्हां दे घट बैंड आ गए 5.5 बैंड, अज तां वैसे एडवरटाइजमेंट देखिए 5-5.5 बैंड वाला बच्चा भी कैनेडा दे लई अप्लाई कर रहा है, एलिजिबल दस्या जा रहा है, वीजाज भी आ रहे हैं, होर की ऑप्शन रहिंदी उन्हां बच्चों दे? देखिए पहली बात तो कैनेडा की ही बात करेंगे, अगर हमारे पास 5.5 बैंड का बच्चा आता तो हमें देखना होगा कि उसकी परसेंटेज कितनी है, लास्ट अकेडमिक में उसकी परसेंटेज अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो हम भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में बच्चों के एडमिशन करा सकते हैं, करा रहे हैं, वीजा भी ले रहे हैं 5.5 बैंड पर। इसके अलावा बच्चा 5.5 बैंड पर अपना न्यूजीलैंड जा सकता है, अगर बच्चा 12th पास है तो वो डिप्लोमा के लिए जा सकता है, एडवांस डिप्लोमा के लिए जा सकता है। इसके अलावा बच्चा अगर ग्रेजुएट और 5.5 बैंड है तो वो पाथवे प्रोग्राम में जा सकता है कि इंग्लिश कोर्स लीडिंग टू ग्रेजुएट डिप्लोमा लेवल 7 5.5 बैंड न्यूजीलैंड, हाँ न्यूजीलैंड में, तो 5.5 बैंड पर अगर +2 पास है तब भी जा सकता है, अगर ग्रेजुएट बच्चा है तब भी जा सकता है। जो ग्रेजुएट बच्चा है उसके लिए वैसे 6 बैंड नो लेस देन 5.5 बैंड की रिक्वायरमेंट है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड कॉलेज पाथवे प्रोग्राम के अंदर आते हैं जिसमें वो ESL इंग्लिश कोर्स लीडिंग परसेंटेज भी कोई अकेडमिक डेफिनेटली 50% तो मिनिमम होने ही होने चाहिए, तो ग्रेजुएट डिप्लोमा और उससे पहले क्या नाम है इंग्लिश कोर्स। तो इस तरीके से जो बच्चा ग्रेजुएट है वो भी 5.5 बैंड में न्यूजीलैंड एलिजिबल है। इसके अलावा हम बच्चों को जर्मनी भेज रहे हैं, जर्मनी विदाउट आयल्स भी बच्चा जा रहा है,
लैंग्वेज कोर्स, मतलब अपना जर्मन लैंग्वेज लीडिंग टू फ्री एजुकेशन, या फिर अगर लेस बैंड स्कोर है 5 या 5.5 बैंड तो हम उन बच्चों को इंग्लिश प्रोग्राम में भी दे रहे हैं, लाइक बीबीए या फिर क्या नाम है हॉस्पिटल मैनेजमेंट या फिर आईटी वाले कोर्सेज, इन सब में तो 5.5 बैंड और विदाउट आयल्स जर्मन हो रहा है। इसके अलावा फ्रांस भी बच्चे जा रहे हैं, इसी तरीके से अपना क्या नाम है पोलैंड भी बच्चे जा रहे हैं। तो यूरोप के काफ़ी ऑप्शन है जो बच्चे लेस बैंड स्कोर के साथ भी जा सकते हैं। जी, एक मिनट का समय बच्चा, जानते जानते कोई खास मैसेज सुने। दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि वेस्टर्नोसिस आयल्स रियलिटी टेस्ट कर रहे हैं और इसको समझना होगा। देखिए आप, मुझे नहीं पता कहाँ से आप हो, कहाँ से आप कोचिंग ले रहे हो, आप जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि वेस्टर्नोसिस 24 तारीख को, जो 24 जून को दिन शनिवार जो कमिंग है, सैटरडे का दिन है, सुबह 10 बजे अपने चंडीगढ़ ऑफिस में आयल्स रियलिटी टेस्ट कर रहा है। देखिए उसका मुझे फ़ायदा कुछ नहीं होना, मुझे सब 200 रुपये इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 200 रुपये में अगर हम कुछ फ्री देते हैं तो बच्चे नहीं लेते हैं, तो कोई ना कोई वर्थ होनी चाहिए। तो 200 रुपीज़ आपने पे करने हैं और सेम एटमोसफेयर आपको मिलेगा जो ब्रिटिश काउंसिल और IDP के जो फाइनल एग्जाम होते हैं वो टेस्ट। तो आप चाहे जम्मू से हैं, चाहे आप यूपी से हैं, चाहे राजस्थान से हैं, चाहे बॉम्बे से हैं, चाहे साउथ से हैं, चाहे नॉर्थ इंडिया से हैं, जहाँ से भी हैं, आप इस टेस्ट में ज़रूर आइए। आपको ऑफिशियल पर्सन वहाँ पे मिलेंगे जो ये टेस्ट लेंगे। फ़ायदा ये होने वाला है कि जब आप फाइनल एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको रियल एनवायरनमेंट यहाँ मिल चुका होगा, तो आप यूज टू हो चुके होगे, तो आप फाइनल एग्ज़ाम में आप पूरे प्रिपरेशन के साथ जाओगे, आपके लिए वो नई चीज़ नहीं होगी, आप डिजायर्ड स्कोर ले सकते हैं। जी, सो थैंक यू सर शो दे विच आने लई सारी जानकारी देने लई। नंबर फ्लैश किया जा रहा है वेस्टर्न ओवरसीज़ का, उस नंबर पर कॉल करके तुसी अपना सवाल साझा कर सकते हो, जानकारी लै सकते हो। माफ़ी चाहवागा समा खत्म होने करके चर्चा अगे नहीं बता सकेंगे, तुहाडे लिए समय की कोई लिमिटेशन नहीं, 24 घंटे किसी भी वेले वेस्टर्न ओवरसीज़ नाल कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फिलहाल दे लई मैनू दिओ इजाजत प्रोग्राम।